मंगलवार को गुरुग्राम से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां गोयल फैमिली जनरल स्टोर में लूटपाट चार नकाबपोश करने घुस आए। वक्त शाम का था, लिहाजा सारे दिन का हिसाब किताब जनरल स्टोर के मालिक कर रहे थे। तभी काउंटर पर चार बदमाश आते हैं, दो आगे काउंटर के पास और दो पीछे खड़े हो जाते हैं। काउंटर के पास खड़े दो बदमाश जनरल स्टोर के मालिक से बातचीत करने लगते हैं। ये बदमाश ऐसे बातचीत कर रहे हैं मानो जैसे धमकी दे रहे हैं, मगर जनरल स्टोर के मालिक ने इन्हें जाने को कहा। तभी एक बदमाश ने पिस्टल निकाल लिया, मगर जनरल स्टोर का मालिक भी बिना घबराए काउंटर के नीचे से हैंडल जैसे दिखने वाली चीज से बदमाशों से भिड़ गया। पिस्टल से स्टोर मालिक को न डरता हुआ देख बदमाशों ने दो से तीन राउंड फायरिंग भी की, मगर स्टोर मालिक बच गया। स्टोर मालिक के हाथ में जो भी चीज़ लगी उससे बदमाशों का सामना किया। आखिरकार बदमाश मजबूर होकर वहां से भाग पड़े। बदमाशों को भागता देख स्टोर के कर्मचारियों ने इन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, मगर बदमाश फरार हो गए। मैं अपने काउंटर पर बैठा हुआ था, चार लड़के काउंटर पर आए हैं, उन्होंने मेरे डंडा मांगा सिगरेट का। मैंने वो मना करा, मैं समझ गया था कि गुंडे हैं दुकान के बाहर से आए हुए हैं। मैंने अपना हैंडल निकाला, एकदम उसको मारने का मैं हुआ। उन्होंने मेरे सीधा साले गोली मार साले को, उसको उन्होंने मेरे फायरिंग करी, उन्होंने सीधी मेरे ऊपर फायरिंग में एकदम से मैंने फिर नहीं लगी मेरे को, मैं सीधा बंद किया, दूसरी फायरिंग करी उन्होंने मेरे ऊपर। इतने में फिर मैंने एक डिब्बा फेंक के मारा उनके मुँह पे, फिर मेरे लड़के आगे उसमें फिर तीसरी फायरिंग करी, एकदम भग्गे फिर लड़ गया एकदम। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है। इस घटना में पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।